आइए रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की। और आज सुबह से ही लगातार बीजेपी नेत्री व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की खबर लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री से उनके फैंस ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं खैर अब देखना तो ये है कि आने वाले समय में जांच निष्पक्ष रूप से करवाने का काम क्या सरकार करेगी या फिर इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। खैर सबसे दुखद खबर तो यही है कि सोनाली फोगाट के निधन की पूरी तरह से आदमपुर में भी सन्नाटा छा चुका है। वहीं अभी तक पूरी तरह से पुलिस और उनके चाहने वाले भी पूरी तरह से चिंता में हैं कि ये आकस्मिक निधन था या फिर सोची समझी किसी की साजिश थी। खैर पुलिस भी लगातार इस गुत्थी को सुलझाने का लगातार काम कर रही है। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ओर से मंगलवार को गांव पनीवाला मोटा में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 नेत्र रोगियों की जांच की गई, उन्हें निशुल्क दवाइयां दी गई, जरूरतमंदों को चश्मे भी वितरित किए गए। अगस्त महीने के प्रारंभ में हुई भारी बरसात के कारण गांव दिंगतानिया में अनेक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकानों के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन से आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एम हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा को ज्ञापन सौंपा। वही कांडा ने भी उन्हें आश्वासन दिलाया कि प्रशासन से उन्हें हर संभव मदद दिलवाई जाएगी। हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की चेयरपर्सन निर्मल बैरागी ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़े अल्पसंख्यक व गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसी कड़ी में अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया है, जिसके तहत गरीब परिवारों को सरकार की कल्याणकारी स्कीमों व योजनाओं को एक जगह पर लाभ देने के लिए पात्र परिवारों को आमंत्रित किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत ही हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम सिरसा की ओर से 46 लाभार्थियों को 33 लाख रुपए का ऋण मुहैया करवाया गया है। गृह मंत्री अनिल विज कल 24 अगस्त को सिरसा आएंगे और आम आदमी पार्टी अनिल विज का करेगी घेराव, क्योंकि प्रदेश में सरकार 105 स्कूलों को बंद कर गरीब बच्चों से निशुल्क शिक्षा की सुविधा छीनने जा रही है, जिसका विरोध स्वरूप आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज ऑटो मार्केट स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 3 में सांकेतिक धरना दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल मेहता ने कहा कि हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर में 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें से एक स्कूल ये भी है जहां पर हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। वहीं इस स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल का स्टाफ भी सरकार के इस आदेश से असहमत है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा को लेकर बड़े से बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये तमाम दावे धरातल पर शून्य साबित हो रहे हैं। अगर समय रहते ही सरकार ने अपने आदेश पर पुनः विचार कर इसे वापस न लिया तो बड़ा आंदोलन भी होगा।